भारत हमेशा से एक परंपराओं और विशेष मान्यताओं और कई तरह के विधि विधानों का देश रहा है, जिनसे जुड़े कई सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। इनमें से कुछ ग्रंथ ऐतिहासिक हैं तो कुछ ऐसे जिन्हें समझना तो दूर पढ़ना भी मुश्किल है। ऐसी ही एक ग्रंथ है जिसका नाम है नीलावंती। कहते हैं कि ये ग्रंथ श्रापित है और अगर कोई भी इसे पढ़ लेता है तो उसकी किस्मत के पन्नों पे मौत की काली स्याही दर्ज हो जाती है। और ऐसी कई घटनाएं हुई भी हैं जिनकी वजह से भारत सरकार ने इस ग्रंथ को बैन कर दिया है। आखिर क्या है इस रहस्यमय ग्रंथ का सच और क्यों है ये श्रापित, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सम्राट आप सभी का स्वागत करता हूँ मॉर्टल मिस्ट्रीज पे। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक आदमी अपनी बीवी और छोटे से बच्चे के साथ रहा करता था। उस बच्ची के 5 साल पूरे होते ही उसकी माँ गुजर गई, जिसके बाद उस बच्ची और उसके पिता ने वो गांव छोड़ किसी दूसरे गांव में आसरा ढूंढ लिया। इस छोटी सी बच्ची का नाम ही नीलावंती था। बचपन से ही नीलावंती के अंदर एक अद्भुत शक्ति थी। वो पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की भाषा समझ सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके सपनों में राक्षस आते थे जो उसे तंत्र मंत्र से जुड़ी बातें बताते थे। अब क्योंकि नीलावंती छोटी थी, इसलिए सपनों में बताए गए मंत्र को समझ नहीं पाती थी, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वो इन मंत्रों को एक किताब में लिखकर रखती थी ताकि वो इन्हें याद रख सके। वक्त का पन्ना पलटा और नीलावंती अब एक 20-22 साल की युवती बन चुकी थी। अब तक जो राक्षस भूत प्रेत उसके सपनों में आते थे, अब वो सब उसे साक्षात दिखाई भी देने लगे। और एक रात नीलावंती को उसके सपनों में एक राक्षस ने आके कहा कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक यक्षिणी है जो एक श्राप के चलते इस दुनिया में फंसी हुई है और उसे अपने असली रूप और अपनी दुनिया में आना होगा, जिसके लिए उसे दूर एक गांव में लगे बरगद के पेड़ के नीचे जाकर तंत्र साधना करनी होगी। ये सुन अगले दिन नीलावंती अपने पिता से सपने में बताए गए सारी बातें बताती है, जिसके बाद उसके पिता ने उसे जाने दिया। इस तरह नीलावंती अपने मंत्रों वाली किताब लेके एक जंगल के रास्ते उस गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में नीलावंती को एक व्यापारी मिला, जिससे नीलावंती ने उस गांव में जाने का रास्ता पूछा। और इधर व्यापारी तो नीलावंती की खूबसूरती देखता ही रह गया। व्यापारी ने एक शर्त रखी कि वो तभी रास्ता बताएगा अगर नीलावंती उससे शादी करने को तैयार होती है। नीलावंती भी शादी के प्रस्ताव को मान जाती है, पर बदले में व्यापारी के सामने उसने भी एक शर्त रखी कि वो शादी के बाद व्यापारी के साथ रात में नहीं रहेगी और वो कहां जाती है, क्या करती है, इस बारे में उसे कोई सवाल भी नहीं किए जाएंगे। व्यापारी भी उसके शर्त को मान जाता है। व्यापारी शर्त के अनुसार उसे बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव ले गया, जहां जाकर उन्होंने शादी की। और अब नीलावंती उस गांव में थी। कुछ अब रह गया था तो वो था उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के तंत्र साधना करना, जिसके लिए वो हर रोज रात की खामोशी में घर से निकलने लगी। पर एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसे तंत्र साधना करते देख लिया और उसके पति को इस बारे में बता दिया। अगले दिन नीलावंती के सपने में शैतान आता है, जो उसे बताता है कि अब जब वो तंत्र साधना के लिए जाएगी तो उस बरगद के पेड़ के बगल में बहती हुई नदी में एक लाश बहती हुई दिखेगी, जिसके गले में एक ताबीज होगा। और नीलावंती को उस ताबीज को निकाल के उस नदी में नाव पे सवार एक आदमी को देना होगा, और वही आदमी नीलावंती को दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगा। और नीलावंती रात में निकल पड़ती है, और इस बार उसका पति यानी वो व्यापारी भी उसका पीछा करता है। सपने में जो जो बताया गया था वैसा ही हो रहा होता है। नीलावंती उस लाश के गले से ताबीज खोल रही होती है कि तभी वहां गांव वाले आ जाते हैं और नीलावंती को डायन समझ उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वो व्यापारी सामने आ जाता है, और देखते ही देखते अचानक वो व्यापारी इंसान से एक पिशाच में तब्दील हो जाता है। इसके बाद वो पिशाच सब गांव वालों को एक एक करके घायल करने लगता है और मौका पाते ही नीलावंती को लेके घने जंगलों में भाग जाता है। जब स्थिति कुछ सामान्य होती है तो वो पिशाच नीलावंती को कहता है कि वो शुरू से जानता था कि नीलावंती असल में एक यक्षिणी है और उससे शादी इसलिए की ताकि
पिशाच उस तंत्र मंत्र की विद्या वाली किताब को पा सके। उसकी ऐसी मंशा जान नीलावंती ने उसे मौत के घाट उतार दिया, और क्योंकि वो पिशाच था इसलिए फिर से जिंदा हो गया। ऐसे में नीलावंती समझ गई कि उसे मार पाना संभव है। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि ये किताब उस शैतान को मिल गई तो ये दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है, और इसलिए नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर उस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने उस किताब को आधा पढ़कर बीच में छोड़ दिया वो पागल हो जाएगा। ये कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। तो ये थी आज की कहानी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। कहानी सुनते हुए कोई ख्याल या सवाल आया हो तो कमेंट करो, और इस तरह की कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल मॉडर्न मिस्ट्रीज़ को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।